देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा भेजे गए एक मैसेज से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेज़न के प्रमुख जेफ बेजोस का मोबाइल फोन हैक हो गया था। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने अनाम स्रोतों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। गार्जियन ने अपने रिपोर्ट में लिखा, एक डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण ने सुझाव दिया कि 2018 में अमेज़न के प्रमुख के फोन से डेटा चोरी की शुरुआत मोहम्मद बिन सलमान के निजी व्हाट्सएप द्वारा भेजे गए एक वायरस वाले वीडियो फाइल से हुई। अभी तक ये नहीं पता है कि फोन से क्या डेटा निकाला गया था, लेकिन ये रिपोर्ट बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी की तलाक की आश्चर्यजनक घोषणा के लगभग एक साल बाद आई है। गौरतलब है कि बेजोस ने शादी के 25 साल बाद अपनी पत्नी मैकेंजी से तलाक ले लिया। अमेरिकी अखबार नेशनल एक्वायरर ने जेफ बेजोस और पूर्व टेलीविजन एंकर लॉरेन सांचेज के बीच संबंध होने का खुलासा किया था। अखबार ने अपने सिलसिलेवार रिपोर्ट में कहा है कि बेजोस ने लॉरेन को काफी अतरंगी मैसेज भी भेजे थे। बेजोस के सुरक्षा सलाहकार केविन डे बेकर ने इस संबंध में कहा, उन्हें विश्वास है कि नेशनल इंक्वायरर के बेजोस के विवाहित संबंधों के खुलासे पहले ही सऊदी अरब सरकार ने बेजोस के फोन में सेंधमारी कर चुका था। अखबार के सऊदी के साथ व्यापारिक संबंध हैं, साथ ही बेजोस के स्वामित्व वाले वाशिंगटन पोस्ट अखबार द्वारा सऊदी शासन के मुखर आलोचक रहे जमाल खशोगी की हत्या की कवरेज, ये सभी कारण हो सकते हैं कि सऊदी प्रिंस ने अमेज़न के संस्थापक की छवि खराब करने के लिए उनका फोन हैक किया या करवाया हो। लेकिन डे बेकर ने अपने दावे को लेकर कोई साक्ष्य पेश नहीं किए जिससे उनके इस बात पर भरोसा किया जा सके। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि बेजोस के फोन को हैक करके किसी भी संवेदनशील अमेज़न कॉर्पोरेट जानकारी को हासिल किया गया है या नहीं।